अगर आपके शहर में अचानक से बड़ा बहुत भूकंप आए और आप उस शहर में फंस जाओ तो आप कैसे बच सकते हो और कितनी तबाही आती है, ये सब इस कहानी में देखने को मिलेगी, तो देखिएगा जरूर। इस फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों में गाड़ी चला रही होती है, लेकिन तभी वहां पर एक लैंडस्लाइड होता है, उस वजह से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी वो पहाड़ों के नीचे गिर जाती है और एक जगह पर जाकर फंस जाती है, लेकिन इसमें वो काफी घायल हो चुकी होती है। तभी अब एक हेलीकॉप्टर उसे रेस्क्यू करने के लिए आता है जिसका लीडर रे होता है, क्योंकि वो एक रेस्क्यू ऑफिसर था, लेकिन इस लड़की की गाड़ी चट्टानों के बीच में फंसी हुई थी, इसीलिए पहले एक रे का साथी जाता है, लेकिन वो भी उन चट्टानों के बीच में ही फंस जाता है और अब वो गाड़ी नीचे गिरने ही वाली होती है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, रे नीचे जाकर उन दोनों की जान बचा लेता है और रब इस तरह से इन सभी की जान बच जाती है। अगले सीन में हमें प्रोफेसर लॉरेंस को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। दरअसल लॉरेंस एक सिस्मोलॉजिस्ट है। सिस्मोलॉजिस्ट उन लोगों कहा जाता है जो अर्थ पे आए भूकंप की रिसर्च करते हैं। वो कई सालों से इस चीज पे रिसर्च कर रहे होते हैं, अपने रिसर्च के बेस पर ही अपने स्टूडेंट को बताते हैं। सन 1964 में एक खतरनाक भूकंप आया था जो कि कई सारे एटम बम्स के बराबर था और वो भूकंप 10 मिनट तक लगातार चलता रहा था। साथ ही वो बताते हैं कि ऐसा भूकंप 150 सालों में एक बार आता जरूर है। कैलिफोर्निया की जो सेन एंड्रियस फोर्ट लाइन है वो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, यानी कि भूकंप आने का खतरा इस जगह पर सबसे ज्यादा है। अगले सीन में अब कुछ देर के बाद डॉक्टर लॉरेंस का जो कलीग होता है जिसका नाम डॉक्टर किम चुंग होता है, वो उनके पास आता है। वो लॉरेंस को आकर बताता है कि हाल ही में एक भूकंप आया है और ये बात सुनते ही ये दोनों उस भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। ये दोनों एक बहुत ही बड़े डैम के ऊपर जाते हैं जहाँ पर ये दोनों उस भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, और जब ये लोग यहाँ पर आकर ऐसा कर रहे होते हैं तभी इनकी मीटर में वेव्स बदल जाती हैं, वो बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती हैं, और ऐसा होते ही यहाँ पर एक और भयानक भूकंप का झटका आता है जिससे वो डैम टूटने लगता है। डैम के ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। डॉक्टर लॉरेंस का जो साथी होता है वो भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक बच्ची फंस गई है और इसीलिए वो उस बच्ची को उठाकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो खुद इस जगह से बाहर नहीं निकल पाता और उस बच्ची को डॉक्टर लॉरेंस के पास फेंक देता है और वो खुद वहीं पर फंस जाता है, जिसके बाद ये पूरा डैम तबाह हो जाता है और वो बह जाता है। अब दूसरी तरफ हमें फिर से रे को दिखाया जाता है जिसे उसी जगह पर उस घटना स्थल पर पहुँचने का एक मैसेज आता है। यहाँ पर हमें रे की बेटी ब्लैक को भी दिखाया जाता है जो कि अब अपनी मोम के साथ रहती है। दरअसल रे और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है और उसकी वाइफ एमा अब अपने बॉयफ्रेंड डेनियल के साथ रहती है, और अब डेनियल अपनी किसी मीटिंग के चलते एमा और ब्लैक को लेकर सैन फ्रांसिस्को जा रहा होता है। खैर, जब ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं तब रे के बेटी को एक लड़का मिलता है जिसका नाम बेन है। बेन के साथ उसका एक छोटा भाई भी होता है और बहुत ही जल्दी इन तीनों की दोस्ती भी हो जाती है। अब उस भूकंप की वजह से उस डैम पर जो तबाही हुई थी उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है, और अब इसीलिए डॉक्टर लॉरेंस के पास एक रिपोर्टर आती है और वो उससे पूछती है कि बताओ ये भूकंप कैसे आया था। तभी वहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस के पास उसके दो स्टूडेंट आते हैं जो कि काफी घबराए हुए थे। उनके पास कोई रिपोर्ट होती है और जब डॉक्टर लॉरेंस भी उस रिपोर्ट को देखते हैं तो वो खुद भी बहुत घबरा जाते हैं। दरअसल सैन एंड्रियास में जहाँ पर कि इस वक्त रे की फैमिली भी है, वहाँ पर बहुत ही जल्दी एक भयानक भूकंप आने वाला है, और अब इन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं था कि ये उस शहर से सभी लोगों को निकाल सकें। पूरा लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को और बाकी के शहर इस बात से अनजान होते हैं कि बहुत ही जल्द उन पर एक भारी तबाही आने वाली है। वहीं हमें दूसरी तरफ एमा को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में एक बिल्डिंग के ऊपर होती है, और तभी वहाँ पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है। दरअसल अब भूकंप शुरू हो चुका था, यानी कि अब यहाँ पर इन सभी की जान खतरे में है। एमा सबसे पहले रे को कॉल करती है क्योंकि वो एक रेस्क्यू ऑफिसर था, वो एक हेलीकॉप्टर में होता है। वो एमा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर इतने में ही बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाती हैं। एमा को यकीन होता है कि रे उसे यहाँ पर बचाने के लिए जरूर आएगा, इसलिए वो छत पर जाना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो पाती है कि बिल्डिंग का आधा हिस्सा खत्म हो चुका है। लोग वहाँ पर लटके हुए होते हैं, बहुत सारे लोग ऊपर से नीचे गिर रहे होते हैं, चारों तरफ सिर्फ चीख की आवाजें होती हैं। खैर, एमा किसी तरह से बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंच जाती है और अब बिल्डिंग का यह हिस्सा भी ढहने लगता है, लेकिन इससे पहले कि एमा इसमें दबकर मारी जाती, यहाँ पर रे पहुंच जाता है जो कि रस्सी के सहारे एक नेट को नीचे फेंकता है। अब एमा उस नेट की तरफ भागने लगती है। बिल्डिंग
तेजी से ढह रही होती है, लेकिन इससे पहले बिल्डिंग पूरी तरह से ढह पाती, ईमा उस नेट को पकड़ लेती है। इनके हेलीकॉप्टर के ऊपर भी एक बिल्डिंग गिरने वाली होती है, लेकिन रे अपने काम में बहुत ही माहिर होता है, इसलिए वो यहाँ पर खतरों का सामना करते हुए ईमा को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम हेलीकॉप्टर से देखते हैं कि भूकंप की वजह से शहर की सारी बिल्डिंग्स गिर रही हैं। वहीं हमें सैन फ्रांसिस्को का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि रे और एमा की बेटी डेनियल के साथ थी। ये दोनों पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल रहे होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर भी भूकंप आना शुरू हो जाता है जिससे कि इनकी गाड़ी के आगे की जमीन धस जाती है और इनकी गाड़ी उसमें गिर जाती है। डेनियल तो गाड़ी से किसी तरह से निकल जाता है, लेकिन वो रे की बेटी को गाड़ी में से नहीं निकाल पा रहा था और इसीलिए वो मदद लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि सभी लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसे भी अपनी जान बचाकर भागना चाहिए, इसीलिए डेनियल रे की बेटी की परवाह न करते हुए वहाँ से भाग जाता है। वहीं रे की बेटी अभी भी उसी गाड़ी में फंसी होती है। तभी वहाँ पर वो लड़का आता है जिसका नाम बेन था, जिससे कि रे की बेटी की कुछ देर पहले दोस्ती हुई थी। वो उसे वहाँ से निकाल लेता है और अब यहाँ से ये तीनों किसी तरह से बचते बचाते निकल जाते हैं। अब इसके बाद रे की बेटी अपने फादर को फोन करती है। वो उन्हें इस शहर की हालात बताती है, जिस पर रे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से वहाँ से निकाल लूंगा, तुम बस किसी ऊंची जगह पर चली जाओ, मैं तुम्हारी मोम के साथ तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। जिसके बाद ये दोनों अपनी बेटी को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं अब हमें सैन फ्रांसिस्को को दिखाया जाता है जहाँ पर कि अब भूकंप के झटके बंद हो चुके थे। सभी लोग किसी सेफ जगह की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर लॉरेंस को पता चलता है कि अभी इस शहर में भूकंप और भी ज्यादा तीव्रता के साथ आएगा और सैन फ्रांसिस्को में एक बार फिर से भूकंप के झटके आना शुरू हो जाते हैं, जिससे बिल्डिंग्स फिर से गिरने लगती हैं। यहाँ पर डेनियल भी होता है। वो देखता है कि सब के सब अपने आप को बचाने के लिए दीवार के सहारे टिककर खड़े हुए होते हैं। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो दीवार से चिपके एक आदमी को हटाकर वहाँ पर खुद खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हमें रे और एमा को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हेलीकॉप्टर में थे, और तभी इनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है जिससे वो एक सुपरमार्केट के अंदर क्रैश हो जाता है। इनकी किस्मत अच्छी होती है, इस हादसे में इनकी जान बच जाती है। अब ये दोनों किसी भी तरह से अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचना चाहते थे, इसलिए ये लोग यहाँ से एक कार चुराकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं। रे तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि आगे सामने सड़क टूटी हुई है। वह तेजी से अपने कार के ब्रेक लगाता है और जब वो कार से उतरकर देखता है तो वो पाता है कि सड़क के एकदम बीचों बीच एक बहुत ही गहरी और बड़ी दरार बन चुकी थी, और अब ये लोग कार से तो आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। अब इतने में यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी भी आता है जो कि रे से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। रे उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मुझे किसी भी तरह से सैन फ्रांसिस्को पहुँचना है जहाँ पर कि मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। अब क्योंकि वो बूढ़ा आदमी एक पायलट होता है तो उसे अपना प्लेन दे देता है, जिसके बाद रे और एमा उस प्लेन को लेकर अपनी बेटी को बचाने के लिए सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते हैं। ये सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाते हैं, लेकिन रे देखता है कि एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करने की कोई भी जगह नहीं बची है, तो अब इसीलिए वो एमा को अपने साथ लेकर पैराशूट की मदद से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद रे एक बार फिर से अपनी बेटी से कॉल करता है। वो उससे कहता है कि बेटा तुम्हें स्टेडियम की तरफ आना होगा, लेकिन रे की बेटी कार से स्टेडियम की तरफ नहीं जा सकती थी क्योंकि वो शहर के दूसरी तरफ था। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो है पानी का, इसलिए ये लोग एक बोट लेकर पानी के रास्ते उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर कि इनकी बेटी फंसी हुई थी। ये बड़ी ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि शायद बादल बहुत नीचे आ गए हैं, लेकिन जब ये ध्यान से देखते हैं तो ये कोई बादल नहीं था बल्कि सुनामी की एक बहुत ही बड़ी लहर होती है, और ये इतनी खौफनाक सुनामी भूकंप के झटकों की वजह से ही पैदा हुई थी। बहुत सारे लोग पानी में अपनी बोट्स पर होते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब वो लोग वापस नहीं जा सकते। वो सोचते हैं कि हम स्पीड तेज करके इस सुनामी को पार कर लेंगे, और इसीलिए सभी लोग पानी की लहर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह पानी की लहर इतनी ताकतवर होती है कि इसमें बहुत सारे लोग बोट्स के साथ ही वहीं पर मारे जाते हैं। अब किसी तरह से रे अपनी बोट को लेकर उस लहर के ऊपर तक चला जाता है, लेकिन तभी आगे से एक बहुत ही बड़ा कार्गो शिप आता है जो कि इनकी बोट को कुचलने ही वाला होता है। लेकिन सही समय पर रे अपनी बोट को लेफ्ट ले जाता है, लेकिन इस शिप के ऊपर जो बहुत ही बड़े बड़े और भारी कंटेनर रखे हुए थे वो पानी में गिरने लगते हैं, और रे अपनी बोट को किसी तरह से इन कंटेनर से भी बचाकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन पानी की ताकतवर लहरें उस बड़े से शिप को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं, और सामने होता है गोल्डन गेट ब्रिज जिसके
ऊपर से सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर डेनियल भी होता है और अब वो शिप गोल्डन गेट ब्रिज से टकराता है, जिससे एक कंटेनर डेनियल के ऊपर गिर जाता है और उसका काम खत्म हो जाता है। ये ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं और अब पूरे शहर में पानी भर जाता है। पूरे शहर में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की तीव्रता इतनी थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी इसके आगे गिर रही थी। वहीं हमें बेन, रे की बेटी और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो कि एक बिल्डिंग में होते हैं जहां से रे ने इन तीनों को निकलने के लिए कहा था। लेकिन अब इस बिल्डिंग में भी पानी भरना शुरू हो जाता है, इसीलिए ये तीनों और ऊपर चले जाते हैं। और जब पानी शांत होता है तो ये तीनों पाते हैं कि ये यहां पर फंस चुके हैं। यहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन अब यहां पर एमा और रे भी पहुंच चुके थे। इनकी बेटी इन्हें देख लेती है, वो इन्हें आवाज भी लगाती है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर होने की वजह से उसकी आवाज इन तक नहीं पहुंच पाती, तो इसलिए ये लोग यहां से जाने लगते हैं। तो एमा देखती है कि उसके हाथ पर और बोट पर एक हरे रंग की लेजर लाइट पड़ रही है, और जब वो पीछे देखती है तो वहां पर उनकी बेटी होती है, जो कि लेजर लाइट से इन्हें इशारा कर रही थी। ये अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये अपनी बेटी तक पहुंचते, पानी की एक और लहर आ जाती है, जिससे ही बिल्डिंग धस जाती है जिसमें ये तीनों लोग होते हैं। वो फ्लोर पानी के नीचे चला जाता है और अब एमा और रे की बेटी पानी के नीचे एक गिलास के केबिन के अंदर फंस जाती हैं। और रे अपनी बेटी को बचाने के लिए जाता है और किसी तरह से उस तक पहुंच जाता है। वहीं बाहर से बेन को दिखाई जाता है, जो कि उस गिलास को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये बहुत मजबूत होता है। और जब दूर से एमा ये देखती है तो वो अपनी बोट को पूरी स्पीड से उस गिलास की तरफ लाती है, जिससे कि वो गिलास टूट जाता है, जिसके बाद रे अपनी बेटी को बोट के ऊपर ले आता है। और बाद में ये बाकी के सभी लोग भी उस बोट के ऊपर बैठा कर यहां से निकलने लगते हैं। अब पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह रही होती है, जहां एक तरफ एमा अपनी बोट को निकालने की कोशिश कर रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ रे अपनी बेटी को, जो कि अभी बेहोश होती है, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। जल्दी उसकी बेटी को होश आ जाता है और अब ये सब के सब इस जगह से निकल जाते हैं, यानी कि अब इन सभी की जान बच गई है। और वो भूकंप जो कि पिछले कई मिनट से आ रहा था, वो भी अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि पूरी रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंच चुकी है, जो कि यहां पर लोगों को बचाने के लिए आ रहे थे। और अब एमा और रे भी एक दूसरे के साथ रहने का ही फैसला कर लेते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहां पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।